ये हम लोग सिमगा नदी के पास हैं, रुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, आप सभी देख सकते हैं। ये हाईवे है यहाँ का जैसे जा रहे हैं हम लोग। भोरमदे के लिए हम लोग निकले हैं और भोरमदे के रास्ते में सिमगा नदी के किनारे चाय पीने का मज़ा ही अलग है। सुबह की चाय और ये नदी का किनारा, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है ना जिसके लिए बहुत लोग सोचते होंगे ना यार। मैं तारा कवर्धा से हम लोग निकलते हुए, और ये अब जो है रोड थोड़ा नॉर्मल मिलेगा, मतलब नॉर्मल रोड कम गड्ढे ज़्यादा, मेरा कहने मतलब ये है। और अब हम लोग पहले भोरमदेव के लिए निकल रहे हैं, और भोरमदेव के साथ साथ देखते हैं समय मिलेगा तो आपको चिल्पी का भी दर्शन कराएंगे, चिल्पी घाटी भी घूमेंगे, और जैसे जैसे हम घूमेंगे वैसे वैसे आप सभी घूमेंगे। वो सबसे पहले पे नाश्ता करने के बाद अब हम दोबारा से रवाना होंगे अपने गंतव्य स्थान के लिए जो कि है भोरमदेव। और अच्छा था, नाइस था, यहाँ के हिसाब से बढ़िया रहा, आलू पराठा बढ़िया लगा। और अभी हम आगे प्रस्थान करेंगे, जैसे जैसे पहुँचेंगे आपको बताते चलेंगे, एक बार आपको दिखा दें। तो बादल थी, अब धीरे धीरे धूप होता हुआ, और अपने मौसम का अपना मजा है अलग ही, कभी धूप कभी छाँव, जैसे जिंदगी वैसे सड़कें और वैसा मौसम, यही चल रहा है। क्या सुंदर नज़ारा है, दोनों साइड से पेड़ हैं, बीच में ये भोरमदेव के रास्ते में है, और जहाँ से भोरमदेव में 12 से 13 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं, और ये ग्रीनरी और हरियाली और गन्ने के खेत के बीच में से बना हुआ ये रास्ता। और हम बहुत ही जल्द अपने मंजिल पर पहुँचेंगे। और देखिए छपरी सरोदा इधर 15 किलोमीटर है। ये भोरमदेव में आपका स्वागत है, ग्राम पंचायत छपरी। मैं कल पहाड़ की श्रेणियों के बीच में बसा ये सुंदर मंदिर। अभी हम लोग भोरमदेव मंदिर में और जा रहे हैं, आपको मंदिर के बारे में सारी जानकारी मैं दूंगा बाद में। ये गेट है, मेन गेट। चलिए आपको पहले हम मंदिर के चारों तरफ से दर्शन कराते हैं। ये मंदिर का पूरा दर्शन है चारों तरफ से। मंदिर बहुत ही शानदार और सुंदर नज़ारा है, आप सभी देख सकते हैं। ये मंदिर जो है उनके ऊपर जो कलाकृतियाँ हैं वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। इसके 3 दरवाजे हैं, 1, 2 और पीछे 1 है। बहुत ही सुंदर और शानदार मंदिर, बहुत ही सुंदर कलाकृति, और इसको आप देखते हुए। और इनके साथ एक हनुमान मंदिर भी है, और ये बहुत ही सुंदर प्रांगण है। इसमें ये नंदी जी, और अंदर जो है शंकर जी का लिंग है, और बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। और 10वीं शताब्दी का लगभग हजारों साल पुराना राजा नरसिंह द्वारा निर्मित यह मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य है। आप देख सकते हैं साथ में एक छोटा शंकर जी का और मंदिर है, और उसके बगल में एक काली जी का मंदिर दिख रहा है आपको। ये तुलसी जी है, ये प्रांगण है, बहुत ही सुंदर और सकूनदायक कह सकते हैं, सकूनदायक एक सही वर्ड है इसके लिए, सकूनदायक स्थल है ये। यहाँ छत्तीसगढ़ में जो ये मंदिर है, यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। और ये देखिए जैसे नंदी जी आप देख रहे हैं, ये नंदी जी हैं। और ये एक बार और आपको मैं पूरे मतलब कि आपने मंदिर देखा, भोरमदेव का मंदिर मैंने दिखाया, इनका संग्रहालय भी है,
जो कि बहुत ही सुंदर है। संग्रहालय भी आप देख सकते हैं, यहाँ म्यूजियम है जो कि देखने योग्य है। ये आप देख सकते हैं म्यूजियम। भोरनदेव संग्रहालय 16 अक्टूबर 2009 इसका लोकार्पण हुआ डॉक्टर मुख्य अतिथि डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा, जैसा आप ये बोर्ड में देख सकते हैं। और ये है संग्रहालय, देख सकते हैं आप सभी, देख सकते हैं ये सब संग्रहालय हैं। और यहाँ पे कई सदियों पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, माफ कीजिएगा, सूर्य खंडित जरूर आए एक बार देखें इसको, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही जानकारी मिलती है देखकर और अपने इतिहास को जानने का मौका आप सभी देख सकते हैं। ये यहाँ की संग्रहालय में जो कि संग्रहित करके रखा हुआ है भोरनदेव स्थल का, एक नजर। छोटी सी झलक है ये, आए और आकर यहाँ देखें, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है सब। नंदी जी हैं यहाँ, ये यहाँ का कार्यालय है और यहाँ पे शिवलिंग, कई साल कई वर्षों पुराने शिवलिंग हैं यहाँ रखे हुए। नंदी जी हैं, एक बार जरूर देखना चाहिए आकर, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर एंट्री और उसके जस्ट सामने ये तालाब है और तालाब के सामने ये मनमोहक दृश्य जहाँ पर आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ बोटिंग लोग कर रहे हैं और ये पहाड़ श्रृंखलाएँ हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया था। बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण है यहाँ का।